आज बुटीक को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पोंचा डिजाइन बनाना सिखाऊंगी। ये मैंने अपनी सलवार से 3 इंच ज्यादा लंबाई ली है इसकी मैंने, और मैंने बुकरम की चौड़ाई ली है 1.5 इंच, और एक ये पट्टी काट ली है मैंने। अब इसे बुकरम के ऊपर ऐसे रखेंगे और एक सिलाई लगाएंगे। एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग करेंगे। अब ये सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। और एक टॉप सीम लगाएंगे इस तरफ। ये टॉप सीम इसलिए लगा रहे हैं ताकि ये पोंचा हमारा अंदर की तरफ सफाई से फोल्ड हो सके। अब इसको ऐसे करेंगे और इस तरीके से ऐसे यहाँ किनारे पे एक सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ एक पैर की सिलाई लगाएंगे, एक पैर से थोड़ा सा ज्यादा लेकर एक सिलाई लगाएंगे सीधी। एक किनारे की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई लगाने के बाद जितना गैप हमने नीचे दिया है इतना ही गैप इधर रखकर एक सिलाई लगाएंगे। अब इन दोनों के अंदर हम जिगजैग भरेंगे। ये देखिए, ये नीचे का जिगजैग भर लिया हमने। इसी तरीके से हम ऊपर भी जिगजैग भरेंगे। ये जिगजैग भरने के बाद हम यहाँ भी एक जिगजैग बनाएंगे। ये देखिए, ये जिगजैग बना लिया हमने। अपनी सिलाई यहाँ से शुरू करेंगे। हमें इन जो ये वाले गैप है इनमें सिलाइयां भरनी शुरू करेंगे। यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। यहाँ बनाएंगे
फिर जो हमारी ये वाली सिलाई है इसके ऊपर लेकर आएंगे, फिर यहाँ से लेकर आएंगे, फिर यहाँ जिगजैग भरेंगे, फिर इस सिलाई को यहाँ लेकर आएंगे, ये देखिए नीचे की सिलाइयां भर गई है, अब ऊपर की सिलाई भरेंगे। एक आधे मीटर को ऐसे उठाइए और फिर अगले पे आ जाइए। ये देखिए हमारे पोंछे का डिजाइन कुछ इस तरीके से बनेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।